नमस्कार दोस्तों, हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अब तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके, जो कि सब्सक्राइब के बगल में दिया हुआ होता है घंटे का निशान, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को चालू करें ताकि हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज मैं रिवाइंड करने वाला हूं एक कूलर की छोटी मोटर, इसे आप फैन की मोटर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका यूज टेबल फैन और छोटे वाले कूलर जो होते हैं उसके अंदर इसका यूज होता है। 1340-2800 RPM में ये है, 220-240 वोल्ट तक ये झेल जाता है, मतलब 220-240 वोल्ट में चलता है। तो दोस्तों, इसका स्टेटर साइज जो है आधा इंच है, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, आप इसे माप सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये 24 स्लॉट का है और इसके अंदर टोटल 4 कॉइलें डलती हैं, 2 रनिंग की कॉइलें डलती हैं और 2 स्टार्टिंग की कॉइलें डलती हैं। दोस्तों, तो मैं इसका डेटा आपको बता देता हूँ। आपको रनिंग और स्टार्टिंग में एक तार का ही यूज करना है, जिसका नंबर 35 है। आपको रनिंग और स्टार्टिंग में 35 नंबर गेज का यूज करना है। 2 कॉइलें आपको स्टार्टिंग की बनानी है और 2 ही कॉइलें आपको रनिंग की बनानी है। तो रनिंग की कॉइलों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रनिंग की कॉइलों में 35 नंबर गेज से 27 इंच की लंबाई की 2 कॉइलें आपको बनानी है, 27 इंच इनकी लंबाई है और 300 टर्न करने हैं इसके अंदर, और स्टार्टिंग में भी 300 टर्न करने हैं 35 नंबर तार से, और लंबाई इसकी 25.5 इंच रखनी है। इसमें 27 इंच हो गई, इसमें 25.5 इंच हो गई, और गेज इसमें 35 नंबर ही चलेगा, चाहे एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, दोनों में। और 300 टर्न स्टार्टिंग में भी 300-300 टर्न करने हैं दोनों कॉइलों में, और रनिंग में भी 300-300 ही टर्न करने हैं। और ये पहले छः स्लॉट छोड़कर बंधेगी, ठीक है। तो मैंने ये कॉइल आपको पहले से ही एक डाल रखी है। दोस्तों, इसमें 24 स्लॉट हैं, इसमें स्लॉट पेपर लगा के मैंने इसको रेडी करके रखा है। स्लॉट पेपर कैसे डालते हैं, वह कॉइल साइज कैसे निकालते हैं, वह कनेक्शन वाली कॉइल कैसे बनाते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे ये मैंने कनेक्शन वाली कॉइल बनाई है, दोस्तों देखिए जुड़ा हुआ है, इसमें बाद में कनेक्शन नहीं करते। 2 तार रनिंग स्टार्टिंग के निकलाएंगे और 2 तार ही रनिंग के निकलाएंगे। ये दोनों कॉइलें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्शन वाली कॉइलें हैं, इस पर मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, वीडियो में जाके, या हमने एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखी है मोटर रिवाइंडिंग के नाम से, तो आप उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। तो आप फर्स्ट कॉइल उठा लें रनिंग की, मैं कैमरास को सेट कर देता हूँ। देखिए, हमने एक रनिंग कॉइल उठा ली है, कोई सी भी उठा लीजिए दोनों में से, उसका जो फर्स्ट तार है वो इस साइड रखना है, ठीक है, और किसी भी एक स्लॉट में उसको डाल दीजिए, किसी भी एक स्लॉट में। और दूसरी कॉइल का इसका दूसरा वाला तार जो है यहाँ पे निकलेगा, इस साइड निकलना चाहिए, इस साइड ये निकल गया है, ये दूसरी कॉइल से कनेक्ट है। तो इसको आप जो दूसरी कॉइल में जा रहा है उसको अलग कर ले, ठीक है। तो एक ये एंड पॉइंट हो गया, स्टार्ट पॉइंट हो गया, यानी कि आप इसको इन बोल सकते हो, इसको आउट बोल सकते हो। तो आपको बीच में एक ये कॉइल का एक सिरा किसी भी स्लॉट में डालने के बाद आप दूसरा सिरा बीच में 6 स्लॉट छोड़ना है आपको, उसके बाद डालना है। तो आप गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ,
देख लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 स्लॉट को बीच में छोड़ दिया है और इसके बाद कॉइल को डाल दिया है, यानी कि एक जहाँ से डाल रहे हैं उस वहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 से 8 में। अब ये कॉइल हमको या पूरी एक कॉइल ही आपको पहले हमने डाली 1 से 8 में, फिर इसके ऊपर 1 से 10 में, फिर 1 से 12 में हमको ये कॉइल डालनी है। तो इस पर आप स्लॉट पेपर काट लीजिए ऊपर लगाने वाला, इस साइज़ का, इसी साइज़ का नाप लीजिए आप, और इसको ऐसे मोड़ना है, नीचे की तरफ मोड़ना है ऐसे, और लगा देना है। ध्यान रहे जो ये तार निकल रहा है, ये जो तार निकल रहा है कॉइल का, ये तो दोस्तों ये तार यहाँ से निकल के ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, 6 स्लॉट छूट गई है, और ये तार यहाँ तो इस पर स्लॉट पेपर लग जाएगा। और इस तार को आपको दबाना नहीं है, जो कि ये दूसरी तरफ का जो निकल रहा है दूसरी कॉइल में जा रहा है, इसको अलग रखना है। कभी ऐसा ना हो कि इसे भी आप दबा के और दूसरी साइड निकाल दो, दूसरी साइड आपको तार नहीं निकालना है, ठीक है, इसी साइड निकालना है तार। अब इसके ऊपर हम स्लॉट पेपर लगा देते हैं। तो हमने देखिए स्लॉट पेपर लगा दिया है। अब इस कॉइल को थोड़ा खींच लेंगे, खींचने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ सेट कर लेंगे, थोड़ा सा मोड़ लेंगे। अब ये एंड पॉइंट हो गया, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया। अब इस तार को आप अलग रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी कॉइल को इसके ऊपर मोड़ के डालना है, इस कॉइल को आप ऐसे पकड़िए, ध्यान से देखिए, ऐसे पकड़िए और ऐसे घुमा देनी है, ध्यान से देखेंगे तो ऐसे पकड़ना है, ऐसे घुमा देना है ऐसे, और इसके अंदर डाल देना है, इसके ऊपर डाल देना है 1 से 10 में। स्लॉट पेपर लगा देना है। और इधर भी आपको डाल देना है, इसके ऊपर वाली स्लॉट में, 1 से 10 वाली स्लॉट में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर कॉइल डल चुकी है, 1 से 8 में डल चुकी है और 1 से 10 में डल चुकी है। अब 1 से 12 में हम डालेंगे इसके ऊपर, इसी कॉइल को मोड़कर। तो आपको कॉइल पकड़नी है, ऐसे पकड़नी है, ऐसे पकड़नी है, ऐसे घुमाना है, इस तरफ ही घुमाना होता है कॉइल को, और ऐसे इसके अंदर डाल देना है। जैसे कि पहले फर्राटा फैन की बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें भी आपको किस तरह से मोड़ना है तार को वो बताया है। तो सभी कॉइल दोस्तों इस प्रकार ही डलेगी, जैसे मैंने ये फर्स्ट कॉइल डाली है।
ये मोटर दोस्तों सेम टू सेम फर्राटा फैन जैसे बनती है, जो दो पंखड़ी वाला फर्राटा फैन होता है बिल्कुल उसी तरह से ही बनती है, रिवाइंड होती है। ये जो कनेक्शन का तार है इसको थोड़ा अलग रखें, इसमें मिक्स ना करें। आप इसमें गेज 34 का भी यूज कर सकते हैं, 34 नंबर से भी आप इसे रिवाइंड कर सकते हैं, 33 नंबर से भी आप इसे रिवाइंड कर सकते हैं, और मैंने 32 नंबर से भी इसको रिवाइंड किया हुआ है। 32 नंबर में आपको टर्न थोड़े कम करने पड़ेंगे, जैसे 300 है तो 280 कर दीजिए, वरना तार डालने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। वैसे 34 या 35 में ही ये बनता है, कंपनी इसको वाइंडिंग करके देती है, लेकिन मैंने 32 में भी रिवाइंड किया था, और 32 में अगर मैं इसको रिवाइंड करूँगा तो इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और भी तेज़ी चलेगा दोस्तों। लेकिन 32 नंबर तार डालने में थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि तार मोटा होता है। आप इसे 32, 33, 34 और 35 नंबर तक के तार में इसे बांध सकते हैं। और ध्यान रहे, देखिए यहाँ पे ये तार रह जाता है बीच में, तो ये कागज़ के नीचे ही आना चाहिए, ये तार जो होता है ये कागज़ के नीचे आना चाहिए, ये स्टेटर से टच नहीं होना चाहिए, तो आप कागज़ के बीच ही रखें, स्लॉट पेपर के बीच ही रखना है आपको। तो हमारी एक कॉइल डल के कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको इस तरह से आप मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और दोनों तरफ से आप इसे सेट कर लीजिए कॉइल को, थोड़ा मोड़ के अच्छे से। अब इसके बाद इसमें देखिए बीच में 6 स्लॉट हमने छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम ऐसे उल्टा कर लेंगे, आपको इस तरफ नहीं घुमाना है, आपको इस तरफ घुमाना है, इस तरफ, ये स्टार्ट पॉइंट है, इस तरफ घुमाना है ऐसे। अब इसके अंदर भी हम इस कॉइल को भी दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही डालना है। यहाँ पे देखिए टोटल स्लॉट आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 1-2 स्लॉट छोड़ना है, 2 इस साइड और 2 इस साइड छोड़ना है, 2-2 स्लॉट छोड़ के आप कॉइल डाल दीजिए इन स्लॉटों में, ठीक है। 2 यहाँ पे छोड़ देना, 2 यहाँ पे छोड़ देना, और इन स्लॉटों में 1-10 में आप कॉइल डाल दीजिए, और 1-2-3-4-5-6 स्लॉट बीच में छोड़ दीजिए, जैसे कि इसमें हमने किया था। तो हम कॉइल उठाते हैं, देखिए दोस्तों हमने कॉइल डाल दी है। अब 1-3 में इसके कनेक्शन देने हैं, यानी कि आपको उल्टा सीधा देखना है कॉइल को, उल्टा डालना है या सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट इस तरफ निकल जाएगा, ये आपको ये नहीं
आपको पहले कनेक्शन देखने हैं कि कनेक्शन एक से तीन में है नहीं। कनेक्शन ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इसको छोड़ देते हैं और दूसरे से गिनते हैं। एक दूसरे सिरे से वन, सिरा टू और सिरा थ्री। ये सिरे थ्री में जा रहा है, देखिए तो एक से तीन में इसके कनेक्शन ओके हो गए। अगर ये अगर हम कॉइल को पलट देते हैं तो ये जो तार है, ये जो यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कनेक्शन गलत हो जाएगा, एक से टू में हो जाएगा। तो अब एक से थ्री में बिल्कुल सही जा रहा है और यहाँ पे इसका तार निकल रहा है। ये तार आमने सामने होने चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। तो हम डालते हैं, तो दो स्लॉट आपको ऊपर छोड़ना है और फिर डालना है। एक से तीन में कनेक्शन देना है, ये ऑलरेडी कनेक्शन है कॉइल के, आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉइल कनेक्शन वाली ही बनाता हूँ जिसमें ऑलरेडी कनेक्शन होते हैं, क्योंकि बाद में जोड़ करना पड़ता है और इसमें टाइम लगता है थोड़ा। और हमने देखिए आप, यहाँ पे हमने दो स्लॉट छोड़ के एक सिरा डाल दिया, अब बीच में छः स्लॉट छोड़ के आप डाल दीजिए। दोस्तों हमने बीच में छः स्लॉट छोड़े और यहाँ पे साइड में दो स्लॉट छोड़े और डाल दिया। अब इस पे स्लॉट पेपर लगाना है। अब यहाँ पे आप कनेक्शन फिर से आप एक बार देख लीजिए, कनेक्शन की एक से तीन कैसे बोला जाता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, तो फर्स्ट पॉइंट को जोड़ते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, और दूसरे सेकंड पॉइंट को जोड़ना होता है, और सिरा होता है कॉइल का, वन टू थ्री फोर ऐसे गिनते हैं। तो जिस तार को जोड़ना होता है उस तार को गिनते हैं, जिसको कनेक्शन देना होता है, तो हमको इस तार को कनेक्शन देना है तो एक से तीन में देना है, तो एक सिरा नंबर दो, सिरा नंबर तीन, यानी कि सिरे नंबर तीन में ये गया तो ठीक है, अगर यहाँ दो पे जा रहा है तो गलत है, ठीक है। कॉइल को आपको पलटना पड़ेगा और यहाँ पे जो तार निकलेगा ये बिल्कुल दोनों तार आमने सामने आने चाहिए, अगर ये तार इधर निकल रहा है तो कनेक्शन गलत है। तो ये आपको नोट करना है कि एक दो तीन, एक से तीन में सिंगल फेज की मोटर के सभी के कनेक्शन होते हैं। अब कॉइल को थोड़ा सेट कर लीजिए, एक से दस में हमने डाल दिया है, एक से बारह, एक से आठ में हमने डाल दिया दोस्तों, सॉरी एक से दस इसके ऊपर होता है, ठीक है, एक से दस, एक एक दो तीन चार, वहाँ से गिनना शुरू कीजिए जहाँ से हमने कॉइल डाला, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी कि एक से आठ अब इसके ऊपर होगा, एक से दस और एक से बारह, तो ऐसे ही कॉइल डलेगी, ठीक है। एक से आठ में डालने के बाद आपको कॉइल मोड़ के एक से बारह में डालनी है, एक से दस में डालनी है और फिर एक से बढ़ रहा हूँ, तो कॉइल ऐसे पकड़ना है। ऐसे कॉइल पकड़ना है, ऐसे मोड़ना है, आप इस साइड देख लीजिए, इस साइड से देख लीजिए, ऐसे मोड़ना होता है, पकड़ा, ऐसे मोड़ा, दोबारा देखिए, इस तरह से पकड़िए, इस तरह से मोड़ना है और इसको अंदर खींच लेना है। और डाल देना है, एक से दस में डाल देना है। और ध्यान रहे बिल्कुल आराम से तार डालना है, तार कहीं कट ना जाए, बहुत बारीक तार होता है ये 35 नंबर। कॉपर की वायर मजबूत होती है, एल्युमिनियम की वायर बिल्कुल
हल्की होती है, इसलिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने 1 से 8 में पहले डाल दिया और 1 से 10 में ये डाल दिया है। अब इस साइड भी 1 से 10 में हमको डालना है। एक से आठ, 1 से 10 कंप्लीट हो गए, 1 से 12 में अब हमको डालना है। तो कॉइल को ऐसे पकड़ना है, मैं दिखा रहा हूँ आपको हमेशा की तरह कैसे मोड़ना है, एक साइड ही मोड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे घुमाना होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पकड़ना है और ऐसे घुमाना होता है हमेशा, और इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे घुमाना है और अंदर की तरफ खींच लेना है इस तरह से। अगर आप तार को घुमाना सीख गए तो समझ लो कि आप फैन रिवाइंडिंग करना सीख गए। कई बार लोग गलती कर देते हैं, कई बार लोग कनेक्शन में गलती कर देते हैं, तो कई बार क्या होता क्या है कि मोड़ने में गलती कर देते हैं। तो आपको एक ही साइड मोड़ना है और कनेक्शन 1 से 3 में ही रखने हैं। बारीक तार है इसलिए मैं सावधानी से डाल रहा हूँ, कहीं तार कट ना हो जाए। अब इस पे स्लॉट पेपर लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी रनिंग कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, डलके और ये 2 तार निकल आए हैं जो कि बाहर आएंगे, जो कि सीधे बाहर आएंगे, और बीच में इसमें कोई कनेक्शन नहीं करना है। जो कनेक्शन था वो हमने कॉइल में ऑलरेडी दे दिया है। दोनों साइडों से आप इस तरह से इसको सेट कर लीजिए। अच्छे से इसको सेट कर लीजिए दोस्तों। इसको सेट करने के बाद दोस्तों अब इसके ऊपर टेप लगाना है, इस कॉइल के ऊपर और इस पे और दोनों तरफ नीचे की तरफ, ताकि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में भिड़े नहीं। अगर रनिंग और स्टार्टिंग आपस में भिड़ जाएंगी तो शॉर्ट हो सकती है। तो आप इस प्रकार से टेप लगाना है आपको, जैसे ये कॉइल है तो ये पूरा ढक जाना चाहिए, कॉइल सामने से पूरा ढक जाना चाहिए, पीछे से रहने दो, पीछे अड़ती नहीं है कॉइल। तो आपको इस तरह से टेप लगाना है पकड़ के।
तो देखिए, आपको इस तरह से टेप लगा देना है, पूरा कॉइल सामने से ढक देना है। अगर आप चाहते हैं ऊपर भी लगाएं, लगे टेप तो लगा सकती हैं, वैसे इस पे ज़रूरत नहीं होती ऊपर लगाने की। तो देखिए, हमारी इस तरह दोनों एक साइड से दोनों पे टेप लग गई है, दोनों कॉइल पे। तो पीछे की साइड भी ऐसे ही टेप लगाना है। दोस्तों, इस तरह से हमारी रनिंग कॉइलें डल गई हैं, और इसी के साथ हम अपना पहला इस वीडियो का पार्ट समाप्त करते हैं। अगर आप हम टोटल इसमें काम करके दिखाएंगे तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। आप इसका दूसरा पार्ट देख सकते हैं, दूसरे पार्ट में हम स्टार्टिंग कॉइल कैसे डालते हैं वो बताएँगे आपको, और उस पर धागा कैसे मारते हैं और फिट कैसे करते हैं, वो टोटल जानकारी आपको दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा। तो आज का ये पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे ये पार्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए, जो हमारी ये पार्ट की इस पार्ट में जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जी। ध्यान से सुनिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। सबसे ऊपर लिंक जो मिलेगा वो इस वीडियो का दूसरा पार्ट का होगा, और आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा पार्ट का वीडियो चल जाएगा और आप पूरी रिवाइंडिंग देख सकेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।